सारे जगत की अम्बा, माने राक्षसों की भी अम्बा, झूठी गीता, देवताओं की भी अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा, सारे जगत की अम्बा, माने झूठी गीता। Father takes the name of the father of all the human beings, that is the demons and deities, that is the Jagadamba. She is the false Gita. She is the Gita. Bharat Mata. And Bharat Mata is the true Gita, Sachi Gita. So in the beginning when she came, all the children, she was left with it. जब वो आती है तब वो सारा सूर्यवंशी चले गए ना, मतलब जब वो सत्ता में आती है तो पहले से ही तीनों मूर्तियां हैं। ऑल द थ्री आइडल्स दैट इज द थ्री मूर्तिस विल बी देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, बट व्हेन शी स्टार्ट्स रूलिंग, व्हेन शी कम्स इनटू द थ्री एरियाज, देन सूर्यवंशी विल बिकम टॉलरेट बाय इट। उनको सह नहीं कर पाते इसलिए चले जाते हैं सूर्यवंशी माना सिर्फ आठ के लिए सूर्यवंशी बताया गया है। वो इतना दूर आते हैं हम, लेकिन बाबा के साथ नहीं रहते, एक ही घर में रहना है बाबा के साथ, वो काफी है, लेकिन इतना दूर से आते हैं। अभी तक नहीं बना है। Godfather has given that powerful eye. So they haven't attained that powerful state now. So we are, you know, अभी तक वो powerful state जाते हैं नहीं किया है। So we still miss Baba a lot. मैंने वो powerful state अभी तक attain नहीं किया होगा। मैंने वो प्राप्त नहीं किया वो powerful state अभी तक। तो इसलिए बाबा के साथ रहने का इच्छा होती है। लक्ष्मी और जगदम्बा टैली करो। यू आल्सो टैली लक्ष्मी एंड जगदम्बा। टैली लक्ष्मी एंड जगदम्बा मतलब कैसे? टैली पुरुषार्थ में है, लक्ष्मी का पुरुषार्थ और जगदम्बा का पुरुषार्थ टैली करो। और एम ऑब्जेक्ट कौन प्राप्त करता है? उदय को। यू टैली द एफर्ट्स दैट इज डन बाय लक्ष्मी एंड जगदम्बा and who will attain the aim object, that also you can tell me. Both are married. Both are women. Nari is Lakshmi. It is some women, they become Lakshmi. No? Nari is Lakshmi. How does he get that? सारे रुद्र माला से मन के नारायण बनते हैं। जगदम्बा क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। अभी क्या सारे रुद्र माला के बनेंगे तब बनेंगे। अभी क्या है? नो वॉट शी इज, व्हेन दे बिकम
later. But now what she is in the form of woman, no? She has a woman form. Baba says all men are Duryodhan Dushasana. So that the Rudra Bhikkha referred as Duryodhan Dushasana. Rudra Mala ke man ke Duryodhan Dushasana mana jata hai. So also the women also, the sisters of, I mean the females in the Rudra Bhikkha also. और क्वेश्चन बताया ना, 3 साल में आपने इतने क्वेश्चन इकट्ठे कर पाए, अब आप एक दिन में कितने क्वेश्चन इकट्ठे कर सकते? 3 इयर्स ओनली दिस मच क्वेश्चन यू हैव कलेक्टेड, वन डे हाउ मच क्वेश्चन कलेक्टेड है भाई की गेटिंग टाइम। Why is it that you all will become master Jagadamba? That's a music quote. You all will become master Jagadamba. मुझे ये है कि आप सभी master Jagadamba बन गए हैं। ऐसे क्यों नहीं हैं? मैंने माता बाबा के सामने बैठी होगी, जब मूर्ति चलाई होगी, उस समय सिर्फ करने हैं माता बाबा के सामने बैठी हूँ, कोई भाई नहीं होगा। मैं तो साकार मुझे कुछ कहेंगा। Maybe some only mothers and sisters may have been in front of Baba. That's why they are here. It is the mothers who reveal the father first. माताएं भगवान बाप को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे बोला गया है। And the eight Ashtadev in female body. Ashtadev जो है वो female body में है, मतलब स्त्री के रूप में है। हो सकता है क्योंकि लिखा बताया गया है कि 8 पैर पहले माँ को प्रत्यक्ष करते हैं, तो स्त्री रूप में रहेंगे क्या? मैंने माता भाव स्वभाव संस्कार से तो पुरुष ही होंगे, बस दे संस्कार The संस्कार may be in the form of the male only. Yeah, just like controlling. Yeah. Once you know the body, they have female body, but they have male संस्कार, I know, because they are रुद्रबीज, they need a रुद्रबीज. मतलब वो जानना चाहते हैं कि वो body जो है, मतलब शरीर जो है, वो स्त्री के होंगे, भले वो मतलब रुद्रमाला के मंत्र में ये तो पता है, लेकिन वो स्त्री के शरीर होंगे. Mostly. If it is a matter of full consciousness, then why did she say mothers will reveal the father first? It has to say mothers will reveal the father first. So physically it must be in the women's body. मैंने अगर ये आत्मिक स्थिति की बात है तो क्यों बाबा ये बोलते हैं कि माताएं बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, उस स्त्री का शरीर होना होगा तभी कोई बोलते हैं, मैंने माताएं बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ऐसे क्यों बोलते हैं अगर आत्मिक स्थिति की बात है तो? देखो बोलना होगा, वो प्रत्यक्ष करेगा, यदि इसमें धारणा होगी, धारिणी होगी, वो प्रत्यक्ष करेगा। जस्ट वन मोर स्पीक, वन मोर स्पीक मोर He will reveal, or one who imbibes the knowledge, he will reveal more. He will reveal more. Who does reveal more? One who imbibes the knowledge, mm-hmm. No? Like practically he imbibes the knowledge in his life. That one will reveal the Father, mm-hmm. Or one who just speaks what Baba says. Right? Mm-hmm. So that one will reveal the Father. Mm-hmm. One who imbibes practically. That is the or that is the Prithvi Dharani Vishnu or Dharti Mata. Okay, if reading the class smoothly also the mind will wander a lot, is it? In reading the class smoothly.
I think you read by some papers, no? Yeah. Painted interior, so the mind wanders a lot in love, is it? पूछ रहे कि वो जो थर्ड क्लास नॉवेल जो पढ़ते हैं अगर वो पढ़ेंगे तो हमारा बुद्धि बहुत भटकता है ना बिकॉज देयर इज नो क्लैरिफिकेशन इन द एडवांस नॉलेज इज कॉन्सेप्ट क्लास मैंने एडवांस नॉलेज का भी जो प्रिंट किया जाता है तो क्लैरिफिकेशन देने के बाद जो प्रिंट तो वो पढ़ेंगे तो भी बस नॉट वाइब्रेशन at the fourth side. So even in that also, that is the written mode, you know, even the clarification, there is no vibration, there is drishti, there is no drishti, sight, power of sight, and vibration. So the mind wanders a lot. Itiye buddhi bhatakti eta na. How can the mind wanders when just say, I am reading fifth class movie, but I am living in full conscious state means, even though I am reading the movie, and I'm living in full conscious state, will my mind wander? So it's right कि हमारा मन भटकते अगर हम आत्मिक स्थिति में रहते रहते अगर पढ़ेंगे तो भी हमारा मन भटकते है आत्मिक स्थिति में रहते रहते हम पढ़ेंगे लेकिन आत्मिक स्थिति में जिसमें हम रह रहे हैं वो आत्मा ने ये स्वीकार कर दिया है कि who is Godfather? So by staying in the soul conscious state means the soul has accepted who is Godfather. So that has to be there, no? That means we have truly only when we listen. The soul has accepted who is Godfather. So Baba says, think yourself as soul and remember Father. Nothing is two different situations when you know Hindi, no, when you can listen practically in the Sabbath speak. And then we don't know Hindi, we don't have other choice, you know, we don't have any other choices but to get this third class movie. Hindi samajhte nahi hai, to humko aur koi rasta nahi hai third class movie ke alawa, aise bolte hain. Hindi samajhte nahi. Now you are listening directly, no? लेकिन वो तब होगा जबकि निश्चय बैठा हुआ होगा पूरा बुद्धि भटक न रही हो बाबा के पार्ट के ऊपर बुद्धि भटक न रही हो फैसला कर लिया हो बुद्धि को पक्का ठिकाना मिल गया हो कि यही गॉडफादर है जैसे बहुत से लोग होते हैं एक बार निश्चय कर लिया बट्टी कर ली निश्चय पत्र लिख दिया स्टाम्प पेपर को लिख दिया उसके बाद फिर विरोधी हो गए या विरोधियों के प्रभाव में आ गए तो बुद्धि का ठिकाना हिल गया ना Once you get the permanent place that we confirm that he is the father, then your mind doesn't wander here and there. Sometimes what the people do, they do bhakti, they accept the father, they do bhakti, and then they go against father, or they listen to those who are against the father. That means their mind and intellect will be wandering, no? Their mind starts wandering. But then there are few children who can listen Murli face to face and yet they reach. So na, ऐसे भी बच्चे हैं जो बाप के सम्मुख Murli सुनते हैं और विरोधी भी हो गए हैं विरोधी हो गया तो वो सम्मुख सुनते ही नहीं है वो तो देव हो गए Those have become against father. They doesn't listen father Murli in front. मैं आत्माओं को सुनाता हूँ आत्मा अभिमानियों को सुनाता हूँ देह अभिमानियों को नहीं सुनाता हूँ बाबा स्पीक टू द सोल कॉन्शियस दोस हु आर इन सोल कॉन्शियस स्टेट नॉट दोस वन हु आर इन द बॉडी कॉन्शियस स्टेट सो ऑल दिस से बाबा इज हैविंग अ क्लास और ही गिविंग अ पब्लिक टॉक बाबा इज गिविंग अ पब्लिक टॉक सो जस्ट से देयर आर 100 चिल्ड्रन देयर बट सो नॉट ऑल आर इन सोल कॉन्शियस स्टेट लिसनिंग टू the direct Murli, you know, Murli is speaking the direct Murli. So those who are not listening in full conscious state, they are bound to leave, is it? There's a possibility for them to leave Baba's hand. And abhi Baba public mein class de rahe hain, class kar rahe hain, sab log rehte hain, to usme sabhi log to aatmik sthiti mein nahi rehte. Aatmik sthiti mein bhale ho, lekin aatmik sthiti mein bhi rehte hue bhi,
ये कंफर्म कर लिया हो कि अब बाबा से सुन रहे हैं। Father, Baba saying that even after staying in our soul conscious state, they have confirmed that we are listening from Baba. They have accepted Baba. So them only his speech. So tell us. Then we will call state to state. That is in front of Baba. Baba. So anyone who listens to Baba directly, that Baba giving a class. But not everyone will be in body form, I mean not in full conscious state. जो भी सुनते हैं बाबा की क्लास तो सारे लोग आत्मिक स्थिति में तो नहीं रहते। आत्मिक स्थिति में भी भले हो, लेकिन आत्मिक स्थिति में होते हुए भी बहुत से ऐसे हैं जो कन्फर्म नहीं कर पाते हैं यही बाबा। So even after staying in the soul conscious state, full conscious state, so some are there like that, they have not accepted Father, that is, they don't accept that He is Baba. Neutral होके सुनते रहते हैं। Just neutral, they stay neutral and listen. What? The world of fact, they have begin to, well, accept only Shiv Baba, but not, they don't realize that Shiva entered into the concrete chariot, the permanent chariot, but they only will see Shiv Baba, they only will see the practical form of Shiv Baba, but not the incorporeal Shiva. The सारे दुनिया सारे मैंने 500 करोड़ 500 करोड़ जो हैं वो जो शिव बाबा को जो मानते हैं मतलब वो प्रैक्टिकल जो शरीर है उसको देखता है ना, शिव को नहीं देखते हैं मानते हैं। The incorporeal Shiva has entered the permanent body. So the world will only see the practical form of Shiva Baba. But they won't have the awareness that Supreme Soul Shiva has entered their body. उनको ये जानकारी नहीं रहती कि सुप्रीम सोल जो है वो इनमें प्रवेश है, वो उनको जानकारी नहीं रहती। लेकिन वो सिर्फ जो शरीरदारी है वो प्रैक्टिकली वो देखते हैं उस शरीरदारी को, तो सिर्फ उन्हीं को मानते हैं, इनकॉर्पोरियल को मतलब निराकारी को नहीं मानते, उनको जानकारी नहीं रहता। लास्ट में जाकर भी सारी दुनिया को ये जानकारी हो जाएगी, ये कारकों से चल रही है शिव बाबा। इन द लास्ट थोड़े समय के लिए जानेंगे, इसलिए ज्यादा समय का उनका पुरुषार्थ नहीं रहेगा। ओनली फॉर फॉर सम टाइम दे गेट अवेयरनेस दैट द सुप्रीम सोल इज प्लेइंग द रोल इन दिस कॉर्पोरियल बॉडी। लंबे समय का उनकी बुद्धि में रहेगा इन कार्पोरियो कार्पोरियो ना कार्पोरियो इन देयर माइंड दे विल हैव फॉर अ लॉन्ग टाइम दे विल हैव इन दैट माइंड इन देयर माइंड दैट द गॉड इज इन कार्पोरियो नॉट द कार्पोरियो मतलब 500 करोड़ सारे निराकार ही रहते हैं, निराकार को मानने वाले साकार को बहुत छोड़ के 33 करोड़ देवता हैं जो साकार को निराकार को दोनों के एक बनते हैं। So mostly on the 500 crores, 550 crores, they accept that father has the incorporated. They think father has the incorporated. Only 33 crores, they think that they accept father as a corporate. लास्ट में जब फाइनल विनाश होगा तो सारी दुनिया मानेगी गॉड फादर इज वन। When the destruction complete final destruction takes place, then everyone will accept that incorporeal is in the corporeal. Raman lost 53 marks in an examination. Lost year for 33 with an admission. Okay, Rama failed. Got much less than 33, so he became Chandravanshi. Yeah.
रामा फेल होता है, राम फेल होता है, राम फेल हो जाते हैं, 33 से कम मार्क्स मिलता है, इसलिए वो चंद्रवंश में जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? शूटिंग हो गई, रिहर्सल हो गई, राम वाली आत्मा जो है वो टाइम जा करके The shooting takes place, rehearsal takes place, the soul of Ram, he goes to the, in the silver age. In the silver age, he becomes Ram. He fails, that Ram fails. That's why he takes birth in the silver age. Fail to sab hote hain, maya choti kisi ko nahi. Lekin Ram pehle fail ho gaya. Everyone gets failed, but that maya doesn't kill anybody. But Ram नॉलेज ऑफ साइकिल इट वॉज नॉट कम्प्लीटली गॉन सो दैट इनकम्प्लीट नॉलेज This is from 1942 to 1942. Ram left the body 1942. So his class 33 is 1942 plus 33, 1975. That now advanced knowledge started. मतलब वो जो 33 मार्क्स हुआ है 33 मार्क्स के लिए बोल रहे कि 42 में सेवक काम ने शरीर छोड़ दिया तो उसमें 33 ऐड करेंगे तो 75 कुछ आ जाता है 42 में 75 ऐड करेंगे 42 में 75 ऐड करेंगे 75 76 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
आदि ब्रह्मा द्वारा विस्तार के लिए बोला गया है कि ब्रह्मा चालीस साल पढ़े हैं, तो पढ़ाई किया 40 साल, तो ये 40 साल पढ़ाई किया है बोला ब्रह्मा, ऐसे बताया गया है 40 साल ब्रह्मा ने पढ़ाई किया है। तो ये पढ़ाई जो है 40 साल, ये कौन सी ब्रह्मा के लिए, दादा एकराज ब्रह्मा के लिए कि प्रजापति ब्रह्मा के लिए? किसके लिए? अभी भी वो पढ़ाई पढ़ रहा है ना, कुछ तो पढ़ रहा है, कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है तो नाराज होंगे। कौन नाराज होंगे? दुनिया वाले नहीं, पीछे से नाराज होंगे। If you say that the Krishna, soul of Krishna, is even now studying, then the BK will get angry. Yeah, but I want to know when he said Brahma studied for 40 years, because in basic knowledge, he never studied. He just, he never seen, he never turned. But at least now he is turning and he is thinking because he has entered that personality who turned. बेसिक नॉलेज मतलब उनको 40 साल के जो पढ़ाई पढ़े हैं, तो उसमें जो बेसिक नॉलेज के लिए बताया वो तो उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ा, सिर्फ बताया और उन्होंने मन मनन चिंतन नहीं किया। अभी जो एडवांस नॉलेज में अभी जो आया पर्सनालिटी में है, वो अभी मनन चिंतन करते हैं, तो उस टाइम के लिए पढ़ाई के लिए बता सकते हैं कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई नहीं होती बेसिक नॉलेज ऑल्सो हिस्टरी है ना, इन प्राइमरी स्कूल से बाहर नो बाहर इन द सेम वे बेसिक नॉलेज ऑल्सो प्राइमरी स्कूल। कुमार का दादी ने ये सिर्फ दे बाबा मुझे सुनाते थे और पूरी पूरी मुरली एक शब्द भी इधर उधर किए बगैर सारी मुरली सुनाते। कुमारी का नाम लो सिंगर का फाउंड दैट वन स्टिल लिसन मुरली टू बाबा वर्शन शी वुड रिपीट इट कंप्लीट मुरली।
वर्ड टू वर्ड दिमाग में अभी तक भी कुछ नहीं आया, मत ढंग का नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया। But till the end, she did not realize. How do you remember what the power then she found food? Yes, she has that. Not everyone can remember what the word, just listening to one. So she has एक बार बस सभी को ऐसे ताकत नहीं रहता कि एक बार सुनने से वर्ड वर्ड सारे अक्षर को याद रखें, मतलब उनको ऐसे ताकत पावर से रहती है। पावर की है रट्टू तोता, तोता क्या करता है? What does the parrot do? If we cannot say that it is farmer, what does the parrot do? Just go ahead. The movie has 6 to 7 pages, right? So what is just to listen to one and remember the 6 to 7 pages? एक मूवी में एक साल पेज रहता है तो उसको कैसे वर्ड एक एक अक्षर को कैसे याद रखते हैं? पैरेट ऐसे होते हैं उनको जो सिखा दो जो करते होते हैं वो सिखाते हैं। Just like parrot, if once we teach the parrot, whatever we teach, it just repeats the same thing. अंधे होते हैं, आंखों के अंधे होते हैं, वो सारी गीता हिफ्ज कर लेते हैं, सारी गीता जो भी कर सुने एक एक श्लोक हर हर अध्याय का सुना देंगे सारे। The blind people, no? They just get bahar the Gita and their explanation. In the same way, whatever it is there in the Bhagavad Gita, they repeat it. Ravan has 10 years, so 5 years are male and 5 years are female. So in advanced knowledge, they say 5 days are the leftist post religion, so I mean leftist six souls, and the 5 days of women are the base souls. 5 souls? Ravan has 10 days, yes. 5 female and 5 male. So the 5 of the leftist religion, 6 souls of the leftist religion. रावण के लिए 10 से बोलते हैं, 10 से दिखाते हैं, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के मुख दिखाते हैं। तो इसमें 5 जो है लेफ्टिस्ट और व्हाट आर यू सिक्स नो 10 5 5 ये 5 द लेफ्टिस्ट रीजन एंड 5 राइट रीजन नो रावण ने 10 ये 5 मेल एंड 5 फीमेल 5 इज द मेल आर द लेफ्टिस्ट फीमेल जो है त्रिमुख जो है वो आधार मुख है। आधार पे जड़ को कहा जाता है रूट्स, रूप सारा एंटर देयर बॉडीज नाउ व्हिच बिकम द रिलीजियस फादर्स विल एंटर द फाइव फीमेल बॉडीज नाउ फ्रॉम दैट टाइम रावण रावण फाइव फीमेल फाइव मेल हेड एंड फाइव फीमेल हेड द फाइव आर द सिक्स ऑफ द लेफ्टिस रिलीजन द फाइव मेल सोल्स द फाइव फीमेल सोल्स आर द राइटिस नो द फाइव फीमेल सोल्स आर द base source is it? Root source. Root source. So I want to ask, this five female souls in copper ages, the religious fathers enter these five souls. Five female souls. Swapar Yuga mein, ye jo dharm pita hai, in atmaon mein aate hai, jo purush mein, three ke jo panch mudrikaen hai, adhar mood jo hai, adhar mood mein घर पिताएं प्रवेश करते हैं द्वापर युग में। राम वाली आत्मा रावण नहीं बनती है, द राम सो दर्शन की विकल रावण। कष्ट वाली आत्मा कंस नहीं बनती है, द कृष्ण सो दर्शन की विकल कंस। सो देयर इज अ मूवी कोट दैट सेज राम बिकम्स रावण इज
मुरली रावण जी से, मुरली है ना, मुरली में है ना श्री राम रावण बने तो रावण मीन्स अपन होती करो कौन, रावण मीन्स कौन है ये उनका नहीं थे, रावण ने डेफिनेटली हिट करो मैंने रावण माला ही कौन का है ना माला दुख दुख देने वाले तो राम भी छोड़ो ये नहीं कौन रावण तो राम भी दुख दे रहा होगा जो रावण बनता है कृष्ण भी कौन बनता है राम भी रावण बनता है राम भी कम रावण एंड कृष्ण कम कम तो देवी छोड़ो तो दोस्त को ओके तो राम बिकम रावण जी राम भी छोड़ो तो दोस्त लेफ्टिस रिलीजन सोच थे तो माना राम वाली आत्मा जो रावण बनता है तो दुख देते हैं जो लेफ्टिस आत्माएं हैं उन लोगों को दुख देते हैं दुख देते हैं उनको ऐसे कुछ हर आत्मा जो भी तत्व प्रधान बनती है वो लास्ट में कलयुग के अंत में जाकर के तत्व प्रधान बनती है और फिर तो वो विल बी इन द सात्विक स्टेज तत्व प्रधान स्टेज इन द बिगिनिंग इन द एंड ऑफ द आयरन एज दे बिकम द सात्विक स्टेज तत्व प्रधान सो दैट्स हाउ राम बिकम्स रावण जब वो तांत्रिक से बनते हैं तांत्रिक से पहुँचते हैं तब राम बनते हैं राम राम कोई कम समय के लिए कोई ज्यादा समय के लिए समथिंग बिफोर सम टाइम एंड समथिंग बिफोर लॉन्गर टाइम जैसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है जब से प्रवेश करता है तब से लेकर के अंत तक कितना तांत्रिक तांत्रिक होता रहता है Just like the Ibrahim story, so from the beginning, since he entered until the end of the he will be in the Tamsic state. Yeah, and Ram does not need solo projects. So Ram dukh deta hai dusron ko. At last, man. Dukh dene wala power kabhi baap hona chahiye. At the end, he must somebody should be there, the father one who gives sorrow. Those children, I mean, to suppress them, is it? मतलब जो दुख देने वाले आत्माएं होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनका बाप चाहिए उनको बाप चाहिए ना इसलिए राम रावण बनता है तो इन ऑर्डर टू कॉन्कर दिस रावण एक्टिव चिल्ड्रन यू हैव टू बिकम रावण मैंने इन आत्माओं के जो रावण की जैसे एक्टिविटी रहते हैं उन आत्माओं को विजय उन आत्माओं के ऊपर विजय पाने के लिए राम को रावण बनना चाहते हैं कुछ करना पड़ता Why is it with the soul conscious state Ram when he has attained the soul conscious state with that soul conscious state he cannot conquer them. ना आत्मा राम वाली आत्मा आत्मिक स्थिति में रहते हैं आत्मिक स्थिति पहुंच जाते हैं तो उस आत्मिक स्थिति से इन आत्माओं को विजय नहीं प्राप्त कर सकते इन आत्माओं के ऊपर जो दूसरे दूसरे का So the from the iron will be cut through the iron itself and the devices will be removed through the vices itself. Vicious thing. When Ram becomes Ravan, he has all the five vices in him. So jab Ram Ravan banta hai, to unme panch vikar, chara vikar unme rehta hai na? 100%. 100%. But he only shows to those children who have Ravan type of qualities, is it? दिखाते हैं जो रावण की क्वालिटीज रहते हैं उन्हीं को दिखाते हैं लेंथ देखी जाती है ज्यादा लंबे समय तक रावणी स्टेज किसकी है इट इज दिस थिंग द टाइम द लॉन्गर द टाइम हु हैज दिस वाइस द कैरेक्टर्स वर्क क्वालिटीज ऑफ दिस रावण जैसे एक बाप के बच्चे होते हैं बच्चे बहुत शैतान बात तो ठीक है लेकिन बच्चे शैतान बहुत एक शैतान दे रहा है दूसरा शैतान दे रहा तीसरा दे रहा चौथा दे रहा पांचवा शैतान बहुत शैतान दे रहे हैं जब बाप तंग आ जाता है
हत्या कर रहे ऐसा की पिटाई कर देता है। उन्होंने बोला है बहुत तंग करेंगे Dhanaraj children, so many children sit there for a fortune. So they will be very intelligent. So demonic activities they do, they will be very intelligent. So what father will do? So he just can't beat him down. No? So in the same way, Baba says in the Murli, it has been said that if you trouble more to the father, then he will do the destruction. So bachchon ne lagatar tan kiya. But then if it is Shaktis did the Shaktis will do the destruction. So why can this Shakti conquer this Rahul and take children? मतलब बोलते हैं कि शक्तियाँ संहार करते हैं तो ऐसे ये शक्तियाँ रावण की जो एक्टिविटीज हैं ऐसे वाले आत्माएं हैं उनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं शक्तियाँ क्या उनके ऊपर शक्ति है क्योंकि हाँ विजय प्राप्त करती है शक्तियों में जो शक्ति आई है किससे आई है जलदम्बा में जो शक्ति आई है असुरों से मुकाबला करने की तो किसके संग से रंग से आई है शक्ति को भी कॉन्कर अबाउट दिस रावण एक्टिविटी बट दी शक्ति आल्सो गेट द पावर फ्रॉम होम सो जगदम्बा आल्सो गॉट द पावर फ्रॉम होम सो दैट शी कैन कॉन्कर दिस टू फेस दिस डेमोनिक लाइक एक्टिविटी जगदम्बा का सबसे बड़ा मेला लगता है The biggest mela of the Jagadamba is celebrated, no? So, on what basis it will be celebrated? बहुत मिलन मेला बना है. Because she has celebrated the mela, milan mela. Jagadamba celebrated the fair of meeting moon. ज्यादा संकरण किसने लिया मोर कलर ऑफ द कंपनी शी हैज गॉट मोर कलर ऑफ द कंपनी का फादर्स कंपनी जैसे शी है दूषित मोर यस शी इज मोर शुभ इसलिए उनको ज्यादा पूजा होती है By not knowing the father, brother has become such a beggar. By not knowing the father, brother has become such a beggar. बाप को नहीं जानते ना जाने के कारण वो बेगर बन भारत बेगर बन गया भारत इज सोल ऑफ राम How come Ram doesn't know the father is it? भारत जो है वो राम वाली आत्मा है तो कैसे वो बाप को नहीं जानते हैं आत्मिक स्थिति में जानती है द्वापर युग से वो जानती है कि बिंदी From the copper age, does he know that he is a soul? So this one is actually completely referring to Ram's soul from copper age. When he doesn't know the father, he becomes a beggar. ये जो है द्वापर युग के लिए बताया गया है द्वापर युग से लेके कलयुग अंत तक द्वापर जगत तक भी राम की सोल ये जानती है कि गॉड फादर का असली रूप कौन है राम द कॉपर एज से द एंड ऑफ द आयरन एज जस्ट द राम द सोल ऑफ राम डज ही नो हु इज द गॉड फादर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड फादर एंड देन इट सेड बेगर मींस Beggar means that one doesn't have respect, position, form. But you see, from copper age, Ram becomes king, so he has that vibe.
मतलब बेकर माना कोई पोजीशन नहीं रहता और रिस्पेक्ट में उनका मान मर्तबा कुछ भी नहीं रहता, उनको बेकर बताया गया है। तो लेकिन कॉपर इस मतलब द्वापर युग से तो राजा बनते हैं तो उनका मान मर्तबा तो रहता ही है। उस समय की बात थोड़ी लास्ट जन्म में आकर के बेकर बनते हैं। Only the last birth, he becomes the baker. Is it is it from 1936 he becomes a baker? 1936 से वो baker बनते हैं क्या? है? 1936 से baker बनते हैं। तो फिर वो करीब फिर दुकान चलती नहीं थी। तो हीरो की दुकान थी लेकिन चलती थी। इसलिए तुमको ब्रह्मा वगैरह नौकरी करनी पड़ी। He was very poor at that time in life. Yeah, but because of not knowing the father, is it he left the soul of Ram left the yajna because of not knowing father, is it? मतलब सिर्फ में माँ को ना जाने के कारण वो यज्ञ को छोड़ दिया क्या राम वाली आत्मा? ज्ञान न होना मतलब फादर को न जानना। The knowledge was not complete, so not knowing, so not knowing the father. So at that time, during that time, he had to become a beggar. So उस समय वो beggar बने थे। सुबह से beggar था, दुकान नहीं चली, तभी तो जाकर के उनकी नौकरी की। दुकान चलती होती, रोटी दाल मिलती होती, तो स्वाभिमानी आदमी क्यों नहीं नौकरी करेगा, खुद के भंडारी करेगा। From the beginning only, जिसको जन्म जन्मांतर के राजा बनने के संस्कार है, स्वाभिमानी के संस्कार हो, उसी नौकरी डालता थी क्यों बनेगा? From the beginning only he was poor, so that's why only he worked under the Brahma Baba, no? He maintained the shop of Brahma Baba. So Baba says, one who has the quality of becoming the king for many births, why should he, because he was poor, that's why he worked under the Brahma Baba. Otherwise, why should have gone to him for working in his shop? Because he was poor at that time, that's why he For him to become poor in Bhaktima, for the soul of Ram to become poor in Bhaktima, he must do the shooting now in concentrate, right? Bhaktima, because he was poor before coming to knowledge itself, he is poor. The soul of Ram has already become poor before coming to knowledge. Before 1936, he is poor already. So for him to become poor, he must do the shooting in concentrate. मतलब वो 1936 के पहले ज्ञान में आने के मतलब वो पहले ही थी क्या नहीं भी वो गरीब थे तो उनका शूटिंग कॉन्सेंट मतलब संग्रह युग में होना चाहिए ना हो गई थी छत्तर इन 1976 इट हैपेंड द शूटिंग डेट इन 1976 ही डिड द शूटिंग ऑफ अ बेगर बट देन ही नोस द फादर वाइज लेकिन उस टाइम बाप को जानते हैं ना उस टाइम बाप को जानते हैं ना 76 में बाप को तो जानते हैं जानते हैं 100% अभी जानते हैं अभी 100% जानते हैं नाउ डज इट 100% ये तो लगा नहीं रहा ना मैंने अभी भी नहीं जानते अभी 100% जानते हैं Now he knows of 100%. Now he in 1976 he doesn't know. मतलब 76 में पूरा 100% नहीं पता था अभी जानते हैं अभी ही नहीं जानते तो 76 में जाने का पूरा 100% जाने का सवाल ही नहीं मैं वो ये प्रश्न पूछते हैं ना कि अभी जानते हैं क्या अभी क्या जानते हैं 100% बात को फादर इज आस्किंग इवन नाउ डज ही नो फॉर 100% ही अंडरस्टैंड ही नोस फादर इवन नाउ डज ही नो 100% फादर About Father. Incorporeal Shiva. So, how can he know incorporeal Shiva? Okay, all of us know, shouldn't all TBKs know about incorporeal Shiva? Doesn't sure the king of all of the king of his subjects, you know, should know also about incorporeal Shiva? Because all the PBKs know about incorporeal Shiva, where is incorporeal Shiva? Shouldn't the soul of Ram know? All the PBKs know about incorporeal Shiva, where is Nirakari Shiva? So, Ram Bhali Atma doesn't know. All the PBKs know. Does all the PBKs know? They know that the PBKs know. Harishya doesn't know.
no understanding, but they know in Kapoor Shiva is there. Baba is asking, does they have faith? They have faith. Faith and knowing is two different, you see. मैंने निश्चय आना और जानकारी होना अलग बात है ना. How much you have faith, that much you get the knowledge, that much knowledge. नॉलेज कम है तो संशय आते रहेंगे. इट्स फुल नॉलेज है तो कोई संशय नहीं. बुद्धि को ठिकाना मिल गया पक्का. इट्स लेस नॉलेज बुद्धि एकाग्र हो गई. यू विल हैव डाउट. इट्स कंप्लीट नॉलेज व्हेन यू हैव कंप्लीट फेथ. सो बट देन ही सेड द सोल ऑफ राम डजंट गो इनटू द स्टेज डज लाइक शंकर. हां शंकर नेवर टेक्स रिवर्स. दैट मींस ही डजंट गो इनटू द बर्थ ऑफ इनटू द स्टेज ऑफ यू नो डाउट एंड फेथ. शंकर कभी जनमान के चक्र में नहीं आते तो वो उनको कभी निश्चय अनिश्चय में नहीं आता है ना. हमारी आत्मा कभी निश्चय अनिश्चय में नहीं आते हैं ऐसे बोलते हैं. तो द सोल ऑफ राम शंकर इज द सोल ऑफ राम. शंकर राम वाली आत्मा है ना. शंकर राम वाली आत्मा ये शंकर राम सोल बहन ज्यादा किसने किया. बिकॉज द सोल ऑफ राम ही बिकम शंकर. हु हैज ट्रांसलेटेड मोर. बाबा इज आस्किंग ये शंकर द सोल ऑफ राम देन हु हैज ट्रांसलेटेड मोर. टॉलरेटेड मोर इन विच वे. टॉलरेटेड कौन से हैं क्या बात किस बात में बाबा ने सहन शक्ति में सबसे आगे कौन है. इन द टॉलरेंस इन द पावर ऑफ टॉलरेंस हु इज फर्स्ट. ब्रह्मा. जब ब्रह्मा सहन शक्ति में सबसे आगे है तो सामना भी उसी को करना पड़ेगा. सामना ही वो सबसे ज्यादा करेगा. उसने बच्चों को सबसे सहन किया. सब बच्चों से सहन किया. बच्चों ने उसको सहन कराया. तो जिन बच्चों ने सहन कराया वो बच्चों को रिटर्न करेगा कि नहीं. So he has tolerated more and the children made him to tolerate more. So he has to give in return to the children. No? ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में बच्चों को सहन किया. सबसे ज्यादा सहन किया ब्रह्मा बाबा ने. तो जिस ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को बहुत सहन किया शरीर छोड़ने के बाद वही आत्मा उन बच्चों से अपना हिसाब किताब लेगी पूरा करेगी कि नहीं करेगी. ब्रह्मा बाबा हैज टॉलरेटेड मोर चिल्ड्रन मेड हिम टॉलरेट मोर. सो That Brahma Baba, after leaving his body, then he will take his account with them, no? To Sankita, settle the account. He will settle the accounts with them, children. The children who give him a lot of problems. Yes, lot of troubles they gave him. Aur sab guna bol sakta hai. And even the... 100 times. Burden, 100 times burden. They get 100 times burden. Punishment. 100% punishment. किसको भुगतना? बच्चों को भुगतना. कौन भुगताएगा? ब्रह्मा बाबा. The children has to bear the punishment. So who will give the punishment? ब्रह्मा बाबा will give the punishment. तो धर्मराज कौन हुए? So who becomes धर्मराज? And then this time, राजा कौन? ब्रह्मा बाबा. लेकिन ये तो मुरली पॉइंट है कि राम वाली आत्मा बेकर बनते हैं. इसमें ब्रह्मा बाबा से कोई बात नहीं है. उसमें कभी करने के बहुत बड़े सबसे बड़े व्यापारी थे इंडिया के. गरीबों को विशेष बांटा ही देता है या साहूकारों को देता है. शिव बाबा गिव्स द बात है लेडी द किंगडम टू हूम डज ही गिव्स टू द पुअर और टू द रिच.
मैंने गरीब माना जिनको ज्ञान नहीं है उनको दोनों तरीके से इनमें बहुत तरीके जो मेंटली वीक हो जाए जो फिजिकली वीक हो जाए जो वाचा में वीक हो जाए हर तरीके से वीक हो जाए धन से वीक हो जाए वही तो बेहतर हुआ मेंटली फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली We can say the soul of Ram becomes Shankar, right? Ram bali atma Shankar bante hai, aisa nahi keh sakte. How can you say? Ram bali atma ne tolerate kiya? Does the soul of Ram tolerate it? Bachchon ko. The children, does it tolerate the children? Then why is he say next to Shiva is Shankar, next to Shiv is Prajapita, next to Shiv is Krishna? It is at the last. Upper stage. At the completed stage. In the last. So when you say Shankar, then you've got two different meanings, is it? Now present and final, the complete stage where Shankar is present. Mala Shankar mala jo ka sampurna stage, sampurna stage mante, wo Shankar alag hai. Personality is there. Personality is one. काम करने वाले आत्मा The soul who plays the role, the work, does the work, they are different. Personality is So the soul of Ram still doesn't have 100% confidence that about who is Supreme Soul Shiva. राम वाली आत्मा को 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि कौन शिवा रहेगा अभी तक तो उनको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आया कि शिव वाली आत्मा है करके शिव वाली आत्मा मैंने निश्चय मैंने शिव शिव के तुल्य में सुप्रीम कोर्ट है उनको निश्चय नहीं है क्या राम वाली आत्मा को 100% अभी तक अगर ये निश्चय पैदा तो उसकी निशानी ये होगी कि जो करेक्शन में आए सुपरवर्ड हो जाए बोलने की जरूरत ही है पर इफ यू हैव 100% देन इट वुड हैपन लाइक दैट दोस हु हैव कम इन कांटेक्ट विद हिम इन कनेक्टेड विद हिम और दे वुड हैव गेट कन्वर्टेड जस्ट लाइक सेक्स टू मैग्नेट मैग्नेट वेल दैट मींस दे ही नीड नॉट टू टॉक टू देम जस्ट बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद हिम दे वुड हैव गेट कन्वर्टेड मैंने वो डिक्लेयर कर लिया ना कि वो डिक्लेयर कर लिया कि मेरे में भगवान है तो क्या वो प्रूफ क्या है व्हाट इज द प्रूफ ऐसे तो दुनिया के सभी गुरु डिक्लेयर कर देते हैं शिवो हम ब्रह्मास्मि इन द वर्ल्ड मेनी गुरु दे डिक्लेयर देमसेल्फ दैट दे देमसेल्फ आर शिव ब्रह्म दे देमसेल्फ आर ब्रह्म बट देयर इज नो एविडेंस So till the soul of Brahma has attained that stage of Shiv, till then he won't have complete knowledge, is it? He won't have complete knowledge of the Father. जब तक राम वाली आत्मा साफ शिव समान बनते हैं तब तक उनको पूरा ज्ञान नहीं रहता शिव के बारे में बात के बारे में उनको कहा जा सकता है कि समान नहीं
उसको सनातनादि कहा जा सकता है? Will he be called as the son of knowledge? Grandson of knowledge. Grandson of knowledge. If he doesn't have knowledge, will he be called as the son of knowledge? अच्छा सारी बातें छोड़ो, जो 84 के मूल जानते हो? Now I am telling, does he know all the 84 births, about all the 84 births? So he knows, I mean he becomes equal to she, is he, by knowing their own numbers? They go to the Swarasi Jan ke baare mein jaante hain. Aapne bhi jaane, aapne bhi jaane. Aur aapne Sanatan ke sambandh mein Swarasi Jan mein jo bhi aate ho. Even he knows about himself, about the 84 births, and those who come in contact with him in the 84 births, and then about them also we should know. जब वो पूरा उनके बारे में और जो कनेक्टेड वाले उनके बारे में पता चलता है तभी शुभ समझ जाते हैं। तो आत्मा पार्ट धारी है, पार्ट धारी अपने पार्ट को ले जा रहे हैं को। तो द सोल इज द वन व्हिच प्लेस द रोल। इफ ही डजंट नो द व्हाट ही वांट्स टू प्ले द रोल, द एक्टर डजंट नो व्हाट द रोल ही वांट्स टू प्ले, देन ही विल बी कॉल्ड एज द बेवकूफ एक्टर, दैट इज द फूल, इडियट। He'll be called as the idiot, the actor, one who doesn't know the role, what he wants to play now. Then he'll be called as the idiot. And the soul of France still hasn't got the chakra yet. Yes, yes he doesn't. Baba, who could say ki abhi tak naam wale atma ko chakra nahi mila. Chakra nahi? Sudarshan chakra. Sudarshan chakra? Chakra nahi mila. Chakra to Brahma ko wali kon mil gaya? गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन एंड कॉन्सिल, सो दे विल बी रोटेटिंग विद सन, सो बाबा से भी अंदर ब्रह्मा कुमारी सर गॉट द साइकिल। ना ना करेंगे दे आई एम आस्किंग सोल ऑफ राम, बोल रहे राम वाली आत्मा के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो? जब ब्रह्मा कुमारी को मिल गया चक्र पूछना मना ज्यादा डाउट नहीं कर क्वेश्चन ज्यादा पूछना है मना डाउट ज्यादा नहीं कर दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए, हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए तो हम दूसरों को जवाब दे सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। और एक होता है डाउट्स पैदा करते हैं डाउट करने के लिए। There will be two types of questions. One is when we have doubts, we will clear that and we can do the service. And another one, the doubts will be created to make others down. Dr. Anil, can I ever stop him to translate? But then no one is listening to his translation, he is no more in CBK words. Koi sun nahi raha hai bol raha. उनका ट्रांसलेशन कौन सुन रहे? वो तो पीबीके में भी नहीं है। माता जी बोल रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं, उसका कोई नहीं सुन रहे हैं और वो पीबीके में भी नहीं है बोल रहे। उनका इंटरनेट से निकले हुए ढेर सारे स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं। आई वाज टेलिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट एक्सेस फॉर द मैटर व्हिच हैज बीन होस्टेड इन द इंटरनेट बाय हिम, दे आर कमिंग हियर टू डू द बट एंड अदर थिंग। तो पहले आए थे ना, अभी तो नहीं आ रहे, इवन ना देयर भाविक से। लेकिन वो अपने आप को अभी एक्स पीबीके करके बताते हैं। हाउ कैन आई रिफ्यूज द ट्रांसलेशन व्हिच ही हैज डन? बाबा कैन नॉट स्टॉप हिम। लेकिन वो एडवांस नॉलेज का कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहे बोल। ट्रांसलेशन भले नहीं करते हैं
लेकिन जो उन्होंने सुन रखा है एडवांस नॉलेज में और वो जो मुरली पढ़ रहे हैं ब्रह्मा बाबा की मुरलियाँ उनको ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना अपने तरीके से. See what Baba is telling is what advanced knowledge he has listened and what Sakar Murli of Brahma Baba which he is translating. So he is translating it in a different way. मतलब उनका मनमत हो गया ना पूछ रहे हैं. ऐसे ही वो है बंगला हो गया. वो भी सारी बाबा की वाणी जो एक्सप्लेन की हुई है वो एक्सप्लेन की हुई वाणी सुनते हैं सुनाते भी हैं लेकिन उसके अर्थ सारे उल्टे कर देते हैं. थिंक बाबा इज रेफरिंग टू अनदर कपल. जब वो हिंदी भी नहीं जानते. Baba is referring to another couple, Vintesh Murthy and Vatsala Mata, in Bangalore, second number Vishnu Party. They... Baba ne aise kaha. So, Baba is telling, they don't even know Hindi properly. But they keep on telling, in this Murli Baba has said like that, in that Murli Baba has said like this. वो बोल रहे जो बॉम्बे के अनिल भाई है वो लोगों को मतलब मना कर रहे कि एडवांस नॉलेज को मत पढ़ो. तो सारे जो अलग अलग संगठन बना के बैठे हैं सारे विरोध करने वाले सारी ऐसे ही कह रहे हैं. टेलिंग ऑल दोस हु हैव गॉन अगेंस्ट द एडवांस पार्टी एवरीवन इज टेलिंग द सेम डोंट लिसन टू द एडवांस पार्टी. It is not about just on. Ahmedabad, Dashrat Patil, Itawa, Viduna ka wo bhai hai, Viren bhai. Mathura ke, jo Lakshmi Narayan Yugal bhai ke Dhyan Mandira mein jaate hain, wo sare bhi use kar rahe hain. Bhai telling Dashrat Patil of Ahmedabad, one brother from Itawa, and there is one more in Mathura who play drums and other. बम्बई का सतीश भाई है. हैदराबाद का नागराज भाई है. वन मोर नागराज भाई ऑफ हैदराबाद.